नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपको पता है रेलवे स्टेशनों पर जंक्शन क्यों लिखा होता है स्टेशनों में और यहाँ पर सेंट्रल क्यों लिखा होता है और टर्मिनल्स क्यों लिखे होते हैं। तो दोस्तों कई लोग हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि इनका मतलब क्या होता है टर्मिनल्स का, जंक्शन का और सेंट्रल्स का। तो दोस्तों आइए हम आपको इसी जानकारी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेटेस्ट और काम की खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज कुछ ऐसी रोचक जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिसमें हम में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन की सवारी कभी ना की होगी। जब ट्रेन पर चढ़ते हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में जंक्शन, टर्मिनल, सेंट्रल और स्टेशन क्यों लिखा होता है? लेकिन उससे पहले बात भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का ट्रैक देश भर में 92,081 किलोमीटर फैला हुआ है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ता है। इससे रोजाना लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। भारतीय रेल एक दिन में लगभग 66,687 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन आज ही हम इन सब पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों के नाम के अंत के जंक्शन, टर्मिनल, सेंटर और स्टेशन क्यों लिखा होता है जानकारी थोड़ी रोचक है। अगली बार जब आप ट्रेन पर चढ़े तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर किसी रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में टर्मिनल लिखा है तो समझ जाइए कि इसके आगे रेलवे ट्रैक नहीं है, यानी ट्रेन जिस दिशा से आई है वापस उसी दिशा में जाएगी। टर्मिनस को आमतौर पर टर्मिनल भी कहा जाता है। इसका मतलब यह ऐसे स्टेशन है जहां से ट्रेन आगे नहीं जाती बल्कि वापस उसी दिशा पर लौट जाती है जिधर से वह वापस आई है। यह जानना और भी रोचक है कि देश भर में फिलहाल 27 ऐसे रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल लिखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल देश के सबसे बड़े स्टेशन हैं। यह जानकारी थोड़ी चौंकाती है क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंत में अगर सेंट्रल लिखा है तो लोगों को यह पता होना चाहिए कि उस शहर में एक से अधिक रेलवे स्टेशन है। जिस रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल लिखा है वह उस शहर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है। यह नहीं रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल लिखा होने का दूसरा मतलब भी होता है, वह यह कि यह स्टेशन उस शहर का सबसे बड़ा अधिक व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन है। भारत में मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल मुख्य रेलवे स्टेशन सेंट्रल स्टेशन है। यह जानकारी थोड़ी ज़्यादा रोचक है। वैसे तो रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए कई द्वार होते हैं लेकिन जंक्शन में ट्रैक के प्रवेश करने के कई द्वार होते हैं लेकिन जब ट्रैक के अंदर जाने और बाहर निकलने के जब कोई द्वार होते हैं तो जंक्शन बन जाता है। यानी किसी रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में जंक्शन लिखे होने का मतलब है कि उस स्टेशन पर ट्रेन के आने जाने के लिए 3 से अधिक रास्ते हैं। यानी एक रास्ते से ट्रेन आती है, आ सकती है और 2 अन्य रास्तों से ट्रेन जा भी सकती है, इसलिए ऐसे स्टेशनों के नाम के अंत में जंक्शन लिखा होता है। भारत में वैसे तो कई जंक्शन हैं लेकिन मथुरा जंक्शन 7 रूट्स, सालेम जंक्शन 6 रूट्स, विजयवाड़ा जंक्शन 5 रूट्स, बलेरी जंक्शन 5 रूट्स बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर टाइप करके जरूर बताएं और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।